मैं बीएल साय भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारिक भूगोल उसकी एक शाखा है जो कि एमए द्वितीय सेमेस्टर में है। उसमें धरातलीय स्थलाकृतियाँ, उसके विभिन्न रूप हैं, कहीं पर्वत, पठार, मैदान, कहीं गहरा गर्त, कई प्रकार की आकृतियाँ हैं। उससे संबंधित बातों पर चर्चा करूँगा। तो इसके पहले ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये किस प्रकार से ऊंचा और नीचा, कहीं पहाड़, कहीं गर्त वगैरह बने हुए हैं। तो ये दो बात हैं इसमें, जिसको भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में अपन देखते हैं। एक अंतर्जात बल कहते हैं और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में पृथ्वी के अंदर लावा विद्यमान है और वे गर्म होकर कहीं क्षैतिज रूप में ट्रांसफर होते हैं तो कहीं लंबवत रूप में ऊपर उठते हैं, नीचे भी जाते हैं। तो अगर ये उदग्र रूप में, लंबवत रूप में ऊपर उठे तो उस स्थान का भाग धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और कहीं नीचे तरफ गए तो वहाँ पर नीचा हो जाता है। इसी तरह से दो तरफ से लावा का आना हुआ और दोनों इस प्रकार ऊपर उठे तो वहाँ पर पर्वत भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं ऊंचा कहीं नीचा हो जाता है। तो जैसे ही समुद्र से ऊपर कोई भी भूभाग ऊपर उठते हैं तो उस पर एक बाह्य बल क्रियाशील हो जाते हैं। तो बाह्य बल में उसको काटने का काम करने वाले हैं, उसको अपरदन की कारक के रूप में कहते हैं, जिसमें बहते हुए जल, उसको नदी, हवाएं, हिमानी, भूमिगत जल और सागरीय लहरें हैं। ये सभी जैसे ही समुद्र सतह से कोई भी भूभाग ऊपर उठे, समुद्र सतह का मतलब ये है कि सागर और महासागर जितने भी हैं हमारे इस पृथ्वी पर, यानी 71% भाग पर जल हैं, उस सभी का स्तर तल जो है एक इस समान है। और उसके ऊपर कोई भी भूभाग ऊपर उठे तो वहीं से इस बाह्य बल कार्य क्रियाशील हो जाते हैं, चाहे नदी के द्वारा हो या हवा के द्वारा हो या हिमानी के द्वारा या किसी भी क्रिया से हो, वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज हम नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जलीय स्थलाकृतियां, फ्लूवियल लैंडस्केप, जल के द्वारा। तो जल जैसी वर्षा जल है वो तीन गतियां कर सकते हैं। वर्षा का कुछ जल धरातल के नीचे चले जाते हैं, कुछ वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चले जाना, और कुछ जो है बह के चले जाते हैं। तो बह के एक संगठित होके एक धरातल के ढाल के अनुसार चले जाते हैं, उसे हम नदी कहते हैं। छोटे से बड़े, तो नालियाँ फिर नदियाँ, इस प्रकार से बड़े रूप धारण करते हुए वो समुद्र में मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे नदी का अपरदन कार्य, इरोजनल वर्क्स ऑफ द रिवर। अपरदन कार्य, फिर से एक बार हम देखते हैं अपरदन क्या है। जैसा कि इसमें अपरदन के पहले अपक्षय एक शब्द है, वेदरिंग। तो एक उदाहरण बता दें, कोई मिट्टी का टुकड़ा है जिसको स्थानीय बोली में हम ढेला भी कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उसमें हम एक लोटा पानी को डाल दें तो धीरे से वो उस स्थान पर मुलायम होके, विदीर्ण होके इस तरह से लुढ़क जाएगा। अगर उसमें हम एक घड़ा पानी डालें तो वो जो भी विदीर्ण हुए हुए टुकड़े
वो उससे अलग होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही उस स्थान से पदार्थ अलग हो जाए उस अवस्था को अपरदन कहते हैं। तो नदी जो है काट कर जो भी ऊंचे उठे हुए भाग हों या जहाँ का भी भाग हो उसे काट कर दूसरे तरफ ले जाने के कार्य करते हैं तो उसे अपरदनात्मक कार्य कहते हैं, अपरदन कार्य कहते हैं। तो अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक को तो किस प्रकार से अधिक या कम होता है? नंबर 1, नदी में जल की मात्रा, यानी जल नदी में जितने अधिक जल की मात्रा हो उतने ही अपरदन की क्रिया अधिक होगी। अगर कम जल है तो कम कटाव होगा, अधिक है तो स्वाभाविक रूप से अधिक कटाव होगा। उसके बाद दूसरे नंबर में जल की गति, जितने अधिक स्पीड हो, जैसे पर्वतीय भागों में है बहुत ढलान होने से स्पीड अधिक हो जाती, गति अधिक, तो वहाँ भी कटाव ज़्यादा तेज हो जाते। उसके बाद जल का भार, जल के भार में दो हैं, एक तो जल का ज़्यादा होना चाहिए मात्रा, उसके साथ साथ उसमें जो कंकड़ पत्थर बालू बजरी चट्टान टुकड़े इत्यादि जो भी पदार्थ हों वो सब मिलके जल का भार कहलाता है, वो होना चाहिए। तो जितने अधिक हों कटाव अधिक होगा। उसके बाद तट की बनावट, इसमें अगर कठोर चट्टान है तो अपरदन नहीं होगा, बहुत ही कम, और इसमें मुलायम और परतदार चट्टान वगैरह हों नदी के तल में या नदी के किनारे तो वहाँ कटाव अधिक होगा। इसके बाद है अपरदन क्रिया के रूप, किस किस प्रकार से अपरदन हो जाते हैं। नंबर 1 है संक्षारण, अंग्रेजी में कोरोशन कहते हैं। तो संक्षारण में एक रासायनिक क्रिया है जिसमें कुछ जैसे कार्बनिकरण कहते हैं, उस क्रिया से घोल हो जाता है, घोलने का काम, कोई खनिज पदार्थ हैं घुल जाते हैं और वो घोलने के बाद वो उससे अलग हो जाते हैं और वो कमज़ोर होकर कटना शुरू हो जाता है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। दूसरे नंबर में अपघर्षण है, एब्रेशन। अपघर्षण यानी नदी का के जो जल हैं वो और साथ में उस पर जो कंकड़ पत्थर बालू बजरी जो भी है टूल्स कहते हैं वो साथ में किनारे को या तलहटी को रगड़ते हुए चले जाते हैं, काटते हुए जाते हैं, उस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। इसके बाद है जलीय दाब, मैंने जल की मात्रा जितना अधिक है तो उस दबाव से नदी के मार्ग में चाहे तलहटी हो या उसके किनारे हो पार्श्विक भाग में, तो जो भी चट्टान वगैरह होते हैं तो जल अपने भार से उसको काट कर आगे ले जाते हैं, उसको निकाल देते हैं रास्ते से, उस क्रिया को जलीय दाब कहते हैं। इसके बाद है सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण में जो भी टूल्स हैं साथ में आते आते और वो आपस में टकराते हैं और टकरा के दूसरे को भी काटते रहते हैं थोड़े अपघर्षण जैसे, लेकिन मुख्य रूप से ये आपस में टकरा टकरा के चूर्ण हो जाते हैं, इस क्रिया को सन्नी घर्षण या एट्रिशन कहते हैं। तो ये 4 प्रकार से क्रिया करते हैं अपरदन कार्य में। अब है नदी अपरदन जनित आकृतियाँ, मानी अपरदन के फलस्वरूप किन किन प्रकार की आकृतियाँ निर्मित होती हैं उसको अपन देखते हैं। पहले नंबर में भी आकार की घाटी, सबसे शुरू में नदी बाल्यावस्था मानी तरुणावस्था में पर्वतीय भागों से उतरती हैं तो उस भागों में नदी का जो मात्रा है जल की मात्रा भी कम और स्पीड आती है तो उस समय तल को नदी का काटना हो जाए अपने तट तल मात्र उसके निचले भाग को काटना होगा तल को, तो ये इस प्रकार से ये काटना है ये निचले तल को, इसको हम अपने इससे दिखा दें यानी इस प्रकार से कटाव होगा तो इसको हम भी आकार की घाटी कहते हैं, ऐसे आकार बनेंगे। तो ये किनारे किनारे को कम लेकिन ये अंदर का भाग को अधिक काटना हुआ इसलिए इसको भी आकार की घाटी, अंग्रेजी में भी इस प्रकार से है उसको भी आकार की घाटी कहते हैं। इसके बाद उन्हीं क्षेत्रों में ही कहीं कहीं पर कठोर चट्टानें पाई जाएंगी तो उन कठोर चट्टानों में बहुत कम कटाव होगा किनारे के भाग को और ये गहरा करना अधिक हो जाएगा,
कभी कभी तो ऊपर से देखने से बिल्कुल एक लकीर जैसे दिखाई देता है जल का भाग, जैसे ग्रैंड कैनियन वगैरह हैं 1.5 किलोमीटर वगैरह नीचे तक, तो ऐसे को कैनियन कहते हैं। इसको आई आकार की घाटी भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल कठोर चट्टान है और दीवाल जैसे, यानी 85 से 90 अंश तक का इसका ढाल होगा। तो ये कैनियन। उसके बाद गार्ज है, तो गार्ज में उतना नहीं है, ये चौड़ाई अधिक है। जबलपुर के में भेड़ाघाट जलप्रपात के नीचे ये बंदर कुदनी कहते हैं, वो गार्ज है, तो ये चौड़ा है यहाँ। हालांकि इसके किनारे भी वही खड़ी ढाल होते हैं, तो ये गार्ज और केनियन लगभग लगभग एक है। अंतर केवल क्या, इसका चौड़ाई कम है और इसमें चौड़ाई अधिक है। उसके बाद है जलप्रपात। जलप्रपात से पहले हम देखते हैं जलगर्ति का, थोड़ा सा देख इसको, जलगर्ति का। जलगर्ति का में एक कठोर चट्टान, उसके नीचे मुलायम चट्टान, फिर कठोर चट्टान, फिर मुलायम चट्टान। तो इसमें कठोर चट्टान है तो इसके बीच में एक गहरा हो जाता है, क्योंकि मुलायम चट्टानें कट गई यहाँ तक रही, तो ये एक गर्त जैसे बन जाता है। तो ये इसको जलगर्तिका कहते हैं, यहाँ भी एक जलगर्तिका। फिर इसके रूप जो है ये पूरा कट के दूसरा हो जाएगा, ये आ जाता है जलप्रपात में। जलप्रपात में वही चीज़ है, यहाँ पर का भाग जो कट गया था गर्तिका वगैरह, फिर ये कठोर चट्टान के मुलायम चट्टान में ये जल इस प्रकार से आना हो रहा है। तो ऐसे आके फिर ये धीरे धीरे, ये कठोर चट्टान भी बाद में वजन होके कट जाएगा और कट के डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरेगा। तो ऐसे ऊपर में कठोर चट्टान बहुत मुश्किल से कटता है, तो इस प्रकार धीरे ये जलप्रपात बन जाता है। ऊपर से नीचे गिरने को जलप्रपात कहते हैं। हमारे देश में भी कई जलप्रपात हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात तो है ही, अमरकंटक में भी जलप्रपात है। तो इसी प्रकार से ये डायरेक्ट गिरना जलप्रपात हुआ। इसके बाद है छिप्रिका। छिप्रिका छोटे रूप है, इसमें भी कठोर चट्टान, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान। तो ये यहाँ से ये नदी का जल इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ कठोर चट्टान के कारण कटाव नहीं हुआ, जैसे मुलायम चट्टान है तो ऐसे कट गया। तो ये सीढ़ीदार रूप से ऐसे ऐसे ये नदी का आना रहता है, इसको छिप्रिका या रैपिड्स कहते हैं। तो ये हुए। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, ये सभी पर्वतीय भागों की बात है। उसके बाद निचले भागों में नदी वेदिकाएं हैं। वेदिका माने कोई इस तरह से ऊंचा उठा हुआ भाग, वेदी कहलाता है, ये वेदी है। तो इसी तरह से नदी का प्रवाह मार्ग ये है। उसके बाद कभी कभी अचानक नदी का एक किनारे पर कटाव ज़्यादा हो जाता है, अर्थात नदी का पुनर्यमन हो जाता है। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे बहाव हुआ और उसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ चट्टान वगैरह आई, उसके बाद ये नीचे फिर काटना शुरू हो गया। तो ये नीचे काट कर नीचे जल का प्रवेश बहाव हुआ। तो यहाँ ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, यानी इस प्रकार से बेदी कह सकेंगे। ये ऐसे रूप यहाँ बना हुआ है, तो ये नदी वेदिकाएँ कहती हैं। कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं कि एक किनारे पर पूरा ऊंचा उठा हुआ है और दूसरे किनारे बहुत गहरा है, तो इस स्थिति को नदी वेदिकाएँ कहते हैं। इसके बाद फिर आगे जाएंगे तो नदी विसर्प है, नदी मिएंडर कहलाते हैं। मिएंडर प्रथम रूप, जैसे कभी कभी देखने में आता है कि नदी का एक इस किनारे से इस किनारे में जल जाना, फिर उसके बाद ये दूसरे किनारे तरफ आना, फिर इस पार इधर जाना, फिर ऐसे होना। इस प्रकार से नदी के जल जो हैं इस प्रकार आते रहते हैं किनारे। फिर धीरे धीरे इस साइड में कटाव करना हुआ, इस साइड कटाव, जैसे ये भाग है, इधर इधर का कटाव, यहाँ पर कटाव, ऐसे इधर कटाव, तो ये ऐसे मोड़ भरना शुरू हो गया।
इधर का ऐसे, फिर इसका ऐसे, तो यहाँ पर फिर इस प्रकार से हुआ ज़्यादा मोड़, फिर इधर का नीचे मोड़, फिर यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ ज़्यादा इधर जाना, फिर आना, फिर जाना, तो इस प्रकार से मोड़ बनना हुआ। यहाँ पर डायरेक्ट ज़्यादा मोड़ हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ, फिर इधर से ऐसे ज़्यादा इधर आना, फिर ऐसे। एक समय ऐसे आता है कि यहाँ का भाग जो है यहाँ ऐसे कटना हुआ, फिर इधर का ऐसे, और जाके वेद में सट गया। तो ये स्थिति यहाँ पर है, ये सीधे हो गई नदी सीधी, इसके बाद यहाँ पर ये जल बन जाता है, इसको छाड़न झील कहते हैं। छाड़न झील या गोखुर झील, गोखुर झील कहते हैं। छाड़न इसलिए कि क्योंकि ये छोड़ दिया, ये नदी का मार्ग जो है बदल गया है और ये भाग छूट गए, इसलिए इसको छाड़न कहते हैं। उसके बाद में ये गोखुर का मतलब ये है गाय के खुर जैसे, यानी इस प्रकार से ये आकृतियां हैं जो कि गाय का खुर, इसलिए इसका नाम है गोखुर झील। तो ये नदी में कहीं कहीं पर आखिरी नदी का जो जहाँ अंतिम अवस्था है में वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये नदी के जो है अपरदन जनित आकृतियाँ हुई। अब इसके बाद हम निक्षेप जनित आकृतियों को देखेंगे। निक्षेप माने जमाव होता है, डिपॉजिट, डिपॉजिट कहते हैं। तो डिपॉजिट माने जमा करना। इसमें एक चीज़ और फिर देख लेते हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण होता है। अपरदन को अपन देख लिए, कटाव। परिवहन का मतलब जो भी जल अपने साथ पदार्थों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, उस क्रिया को परिवहन कहते हैं। और निक्षेपण, निक्षेप जमा करना, यानी कहीं पर जो निचला स्थान है वहाँ पर जमा हो जाता है, उस क्रिया को निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप जनित आकृतियाँ हैं। ये किस प्रकार से होंगी कि जल का जो बहाव है, नदी का बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है, तो सबसे पहले वजनी पदार्थ को जमा करना शुरू करते हैं। उसके बाद क्रम से उससे कम वजन, फिर कम वजन, बहुत कम वजन को लास्ट में, जहाँ पर नदी मंद हो जाती है, बहुत धीमी गति हो जाती है, वहाँ पर धीरे 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 करके वो सूक्ष्म पदार्थ, जैसे हम बाढ़ में देखते हैं, बरसात के दिन में नदी का रंग मटमैला हो जाता है, उस समय छोटे छोटे कण, बालू के जो कण है अति सूक्ष्म, जो कि उसको पकड़ने से भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही सूक्ष्म कण हैं। जैसे कि हवा में हमको कोई भी उड़ता हुआ जो सूक्ष्मदर्शी से दिखता है, वो खाली आँख से नहीं दिख पाता, उसी तरह से वो बाढ़ का जल जो है मटमैला जल भर दिखेगा और उसमें मिले हुए कण नहीं दिखाई देते हैं। तो वही चीज़ लास्ट अवस्था में जहाँ पर समुद्र है, उस स्थान पर वो नीचे धीरे धीरे गिरना शुरू हो जमना शुरू हो जाते हैं अपने घाटी पर। तो उस स्थिति को हम निक्षेप जनित आकृतियों में लेंगे, उसमें उसका नाम है डेल्टा, इसी भागों में, उसके ऊपरी भाग में है सारी, इसको थोड़ा सा हम और बता दें, जलोढ़ वगैरह है सारी, ये लास्ट का है, बड़े आकार वाले जैसे ही पर्वतीय भागों से नदियाँ उतरती हैं, उस समय शिलाखंड वगैरह लाकर इन भागों में इस प्रकार से जमा करना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से। तो इसी को जलोढ़ शंकु कहते हैं, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख वगैरह भी। इसके बाद है ये
ये नदी है, इसका प्रवाह मार्ग, और इसके बाद में इन भागों में जब बहुत अधिक पानी भर जाता है कई दिनों तक, जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी वगैरह कई दिनों तक बहुत दूर तक भरे हुए रहते हैं, उस समय ये बालू वगैरह यहाँ पर जमा हो जाते हैं इन भागों में, तो ये बाढ़ का मैदान कहलाता है, बाढ़ का मैदान। इसी से संबंधित कुछ और इन्हीं भागों में है, कुछ इसके बाद है उसको, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े थोड़ा सा कण होंगे, और ये जैसे ही उसके तराई क्षेत्र में और इन नदी के बीच में यहाँ पर, तो ये कुछ दलदल टाइप का भी बने रहते हैं, इसको बांगर कहते हैं, बांगर। और उसके बाद में इसके महीन कण जैसे इन्हीं क्षेत्रों में, यहाँ इसको कहते हैं खादर, बांगर और खादर। तो बांगर में कुछ बड़े बड़े बोल्डर बजरी वगैरह, और खादर में छोटे छोटे, तो ये बाढ़ के मैदान है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बाढ़ अपने जो अवसाद है मिट्टी, इसको इन किनारों पर इस तरह से दोनों किनारे पर जमा करना शुरू कर देते हैं, तो ये उथला हो जाता है दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से उथला हो गया, इसको कहते हैं तटबंध। तटबंध के बारे में सुनने में आता है कि कभी-कभी बाढ़ बहुत अधिक होने पर ये टूट जाते हैं, कहीं-कहीं पर टूट जाना होता है, तो ये यहाँ का जल जो है इस प्रकार आगे चला जाता है, और ये आसपास की बस्तियों को नुकसान पहुँचना हो जाता है, क्योंकि नदी इस साइड बहना शुरू हो जाएगा कुछ इधर, तो ये नुकसान हो जाए तटबंध के टूटने पर, तो ये तटबंध हुआ। अब उसके बाद अपन जाते हैं उसी पर जो डेल्टा आएगा, जब नदी का वेग बिल्कुल कम हो जाता है वो समुद्र में मिलने के समय, तो ये समुद्र है, तो इस समय समुद्र का जल और नदी के जल लगभग लगभग एक जैसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, तो लगभग एक समुद्र का, तो यहाँ से ढलान एक समुद्र के तल के बराबर है, इसलिए ये जितने भी जल हैं वो स्पीड कम हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्लेन है हो गया, तो जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए जल, तो धीरे 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 करके वो सूक्ष्म कण जो मटमैला दिखाई देते हैं नदी में देखने से उस समय, तो वही जल इस समुद्र के पास पहुँच कर यहीं पर बिछना शुरू हो जाते हैं, और बिछते बिछते पूरा ये भाग पूरा उथला हो जाता है। तो उथला होने के बाद यहाँ से इसका जल कोई दूसरे साइड में इधर जाना हो जाएगा इस प्रकार से, फिर इधर से भी कुछ इस प्रकार से आना हो जाएगा, फिर इसका भी कहीं कहीं जमा होगा, तो इसका भी इस प्रकार से जाना हो जाएगा, कहीं इधर भी हो सकता है, इस प्रकार से जाना हो सकता है, ऐसे। तो ऐसी आकृतियाँ बन जाती हैं, तो ये यहाँ से भी हो सकता है बाद में, और यहाँ से भी, तो यहाँ से अपन देखेंगे यहाँ, और इस प्रकार से, और इस सीधा, तो ये त्रिभुज नुमा आकृति बन जाती है, ये पूरा डेल्टा कहलाया। तो ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा यूनान की भाषा, तो वह ग्रीक भाषा में इस त्रिभुज आकार को डेल्टा कहते हैं, तो वही डेल्टा शब्द अभी भी चलता रहा है, वैसे हिंदी में कहेंगे कि डेल्टा क्या है, तो वो है त्रिभुज आकार, तो
त्रिभुजाकार ये स्थान है। तो ये कई शाखाएं प्रति शाखाओं में होते हुए ये इस बनती चली जाती है, ये पूरा भाग उथला हो जाता है ये भी। तो ये समुद्र तक भी कभी कभी ये यहाँ होता जाता है, और बाकी तो इधर ही ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये डेल्टा हुआ, त्रिभुजाकार को हम डेल्टा कहते हैं। ये नदी समुद्र में मिलते समय ही है, क्योंकि वहाँ का धरातल बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और ये नदी वहाँ पता नहीं चलेगा कि नदी का बहाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत ही मामूली रूप से इसका बहाव होता है, इसलिए वो जल का पानी इस प्रकार से वहीं बैठ जाता है। जैसे कि बरसात के जल में नल द्वारा कभी कभी पाइपलाइन से पानी मटमैला आता है, तो उसको हम रख देते हैं घड़ा में या कोई बाल्टी वगैरह में, तो धीरे धीरे वो जम जाता है, नीचे बैठ जाता है। उसी तरह से यहाँ भी ये नीचे बैठ जाता है, तो बैठते बैठते पूरा उथला हो जाता है, और उसके बाद विभिन्न दिशाओं में फैलने शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम आकृतियाँ बन जाती हैं, इसको त्रिभुजाकार को डेल्टा कह देते हैं। अब एक डेल्टा के कुछ प्रकार हैं, उसको अपन देखेंगे। डेल्टा के प्रकार, नंबर वन है धनुषाकार, तो धनुष माने ये पकड़ने का है, और ये है तीर को खींच के इस प्रकार से, तो ये आकृति धनुषाकार। तो ये जैसे अभी देखे हैं सेम वही बात है, इधर से नदी का आना हुआ और यहाँ गिरना था, लेकिन ये बाद में जिसे इस प्रकार से कई शाखाओं में नदी का आना हुआ इस प्रकार से, तो इसको धनुषाकार डेल्टा कहते हैं। मिस्र में नील नदी में है, जो कि भूमध्य सागर में गिरना हो जाता है, तो ऐसे आकृति को चापाकार डेल्टा भी कहते हैं या धनुषाकार डेल्टा कहते हैं। ये उसी तरह से है जो अपन देखें, तो ये फिर और भी आ जाता है इस प्रकार से आगे चल के ऐसे, तो ये धनुषाकार डेल्टा है। दूसरे नंबर में पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा में जैसे ये नदी का जो समुद्र में मिलते समय बिल्कुल मंद गति से पहुंचना हुआ, जबकि यहाँ पर तीव्र गति जैसे हो जाएगा। इसका उदाहरण मिस्र में है, ये खाड़ी है मिस्र का, सॉरी ये मेक्सिको की खाड़ी, मिस्र नहीं मेक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ से आती है नदी मिसिसिपी और ये मिसौरी वगैरह, और यहाँ पर आकर ये क्योंकि थोड़ा ढलान है इसलिए स्पीड आकर आगे तक चले जाना होता है। तो ये जमा करते करते ये इस प्रकार से धनुषाकार ना होके आगे तक हुआ, क्योंकि स्पीड है इसलिए ये यहाँ तक पहुँचना हुआ। फिर भी यहाँ पर ज़्यादा जल अवसाद जमा हो गए, तो इसकी एक शाखा इस प्रकार से इधर जाना हो गया ऐसे, फिर इस प्रकार इधर भी हुआ ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जो बनने लग जाते हैं। इसीलिए ये देखने से पक्षी का पंजा जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको पंजाकार डेल्टा कहते हैं। तो मेक्सिको की खाड़ी में है मिसिसिपी नदी, तो ये पंजाकार डेल्टा है, क्योंकि ये समुद्र है तो ये अंदर में प्रवेश किया, और शेष में इन्हीं भागों में यानि समुद्र के पहले ही जमा हो जाता है इन भागों में, और कुछ भाग समुद्र में भी। तो ये धीरे धीरे करके पूरा धनुषाकार वगैरह यहाँ कह सकते, जबकि ये अंदर में कुछ दूर जाके जमा हुआ है और अभी सक्रिय रूप में, तो
तो पंजाकार यानि पक्षी के पंजे जैसे है। इस प्रकार से ये दो प्रकार का हुआ। दूसरे नंबर में ज्वार नद मुख कहते हैं, तीसरा नंबर का। ज्वार नद मुख या ज्वार नद मुखी डेल्टा कह सकते हैं, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुखी डेल्टा भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा रूप है थोड़ा सा, जैसे कि ये समुद्र है और इधर से नदी का आना हो रहा है इस प्रकार से। तो ये क्योंकि और जितने भी देखे, ये नदी का और ये भाग लगभग तल बराबर है, लेकिन कभी कभी निमज्जन क्रिया से, निमज्जन अर्थात इसका तल यहाँ पर नीचे हो जाता है। जैसे पहले मैंने कहा था कि लावा वगैरह उस भाग से ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो भाग नीचे धंस जाता है, तो ये इस स्थान में नीचे चला जाना हुआ। तो ये नदी का यहाँ ऊपर है और ये नीचे, तो पहले नंबर में ये नदी द्वारा जो लाए गए अवसाद है यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद यहीं से सीधे नदी आती है इस प्रकार से, और इसके बाद कुछ प्रवाह इधर से और कुछ इस प्रकार से चले जाते हैं। तो ये जमा करने के बाद में अन्य शाखाएं प्रवाह, अन्य शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं, इस प्रकार को ज्वार नद मुख कहते हैं। डेल्टा यहाँ पर नहीं बना क्योंकि ये अवसाद यहाँ पर जमा हुए समुद्र में और उसके बाद फिर वहाँ से नदी निकली हुई है इस प्रकार। तो ज्वार नद मुख है, नदी डेल्टा अलग और ज्वार नद मुख अलग हुआ, ये है। ये ज्वार नद मुखी अलग है, ये नर्मदा नदी में है खंभात की खाड़ी में। उसके बाद है भगनाकार डेल्टा, चौथे नंबर में भगनाकार डेल्टा। भगनाकार डेल्टा में लहरों के द्वारा काट दिया जाता है, जैसे जलधाराएं वगैरह आना है समुद्र में। मान लो यहाँ पर नदी का है और ये ज्वार का, सॉरी ये डेल्टा का बना हुआ है, कुछ दूर तक नदी में समुद्र में भी इसका भाग हुआ इस प्रकार से, लेकिन जल धाराओं के द्वारा इसको काट दिया जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे कटा हुआ को भगनाकार डेल्टा कहते हैं, यानी इस प्रकार से कुछ भाग कट गया तो इसको भगनाकार डेल्टा कहेंगे, कुछ मामूली रूप से यहाँ पर रहेंगे इसको भगनाकार डेल्टा कहते हैं। उसके बाद है पाली युक्त डेल्टा। पाली युक्त डेल्टा जैसे नदी का आना हुआ और ये समुद्र है, यहाँ पर डेल्टा निर्माण इस प्रकार से हुआ और इसके बाद यहाँ तक जमाव हो रहा है समुद्र में भी। कभी कभी इसका मार्ग दूसरे तरफ हो जाता है, जैसे ये अक्सर डेल्टा में होंगे ही, तो इसका प्रवाह मार्ग इस प्रकार से हुआ और इसके बाद में
यहाँ का प्रवाह मार्ग लगभग लगभग बंद जैसे हो जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। ये यहाँ पर डेल्टा ज़्यादा बनना शुरू हुआ, जमाव ज़्यादा हुआ, तो ये इसको पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। इधर भी हो सकता है यहाँ पर आके दूसरा डेल्टा बन जाए, तो ऐसे को पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। उसके बाद है अग्रवर्ती डेल्टा। अग्रवर्ती डेल्टा में भी इसी तरह से सागरीय लहरें, जैसे ये डेल्टा है और ये आसपास भी इसके जमाव हुए हैं, तो यहाँ पर इस सागरीय लहरें काट देना होगा इनको, और काटने के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके तट के किनारे किनारे दोनों तरफ जमा हो जाएगा। इसको हम मिटाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ये दोनों किनारों पर जमा हो जाता है, इसी को अग्रवर्ती डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सागरी लहरों से कटाव, लेकिन किनारे किनारे दिखाई देते रहते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार से ये डेल्टा है, नदी द्वारा निर्मित अपरदन जनित आकृतियाँ और निक्षेप जनित आकृतियों को अपन देखे तो ये विभिन्न आकृतियाँ इस धरातल पर हैं। ये सारे जितने भी रूप इसके बिगड़ते हैं धरातल के, तो बाह्य जनित बल, बाह्य बल उसको काट के बराबर करने का प्रयास करते हैं। एक बिगाड़ने का काम तो ये बनाने का काम करते हैं, संवारने का काम करते हैं। तो आज हम नदी के जलीय आकृतियाँ देखे, इनके अपरदन जनित और निक्षेप जनित आकृतियाँ। आगे हम पवन के द्वारा देखेंगे और हिमानी के द्वारा भी इसको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।